हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आप सभी का फाइव स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का कल निधन हो गया है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद घटना है। तो आइए उनके जीवन के बारे में हम जानते हैं कुछ। तो उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल का जिक्र हो गया तो सबसे पहले जानेंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो कि हुबली नदी के किनारे बसी है। अब जानेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है। तो पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी। तो आइए अब जानते हैं प्रणब मुखर्जी जी का बचपन का नाम क्या था। प्रणब मुखर्जी जी का बचपन का नाम था प्रणव कुमार मुखर्जी और उनकी वाइफ का नाम था शुभ्रा मुखर्जी। और फ्रेंड्स, उनको एक बार भारत रत्न भी मिला था, जो कि 2019 में मिला था। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत रत्न पूरे साल में एक ही दिन ऐसा है जिस दिन दिया जाता है किसी को भी मिले। तो वो दिन होता है हमारा 26 जनवरी। उसी दिन किसी को भी अगर भारत रत्न मिलने वाला हो तो उसी दिन दिया जाता है। इनको पद्म विभूषण भी 2008 में मिल चुका है। और आगे हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है, उनका नियुक्ति आर्टिकल कितना में है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है और इनका नियुक्ति आर्टिकल 52 के तहत होता है। अब भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा था। और उनकी मृत्यु, जैसे आपको पता हो कि कल हो चुकी है, तो 31 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु हो गई है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा किसी जज ने सुना दी, अगर उसे क्षमा दान प्राप्त करना हो तो उसको माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को होता है और ये आर्टिकल 72 के तहत होता है। तो ये जानकारी थी उनके लाइफ के बारे में फ्रेंड। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।